नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लाल बाबू कुमार है। दोस्तों, इस लॉकडाउन के समय में लोग बहुत सारे लोग ट्रेन का टिकट बुक कर रहे हैं, पर उनका टिकट बुक नहीं हो रहा है। दोस्तों, उसका कारण ये है कि लोगों के पास बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जो फटाफट अपने टिकट बुक कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपके लिए ऐसा ही कुछ ऐप लेकर आया हूँ जो आप 1.5 मिनट की कम समय में भी अपनी टिकट बुक कर लेंगे। हाँ दोस्तों, जो स्पेशल ट्रेन जो सरकार ने चलाया है 15 जोड़ी ट्रेन, और उसकी टिकट बुक करने जाते हैं आप पटना के लिए या रांची के लिए या कहीं के लिए, तो टिकट फटाक दे ख़त्म हो जाता है। और आप नाम लिखते हैं या पिन कोड डालते हैं, तभी आपका टिकट वहां पर दिखाता है कि टिकट ख़त्म हो गया, जनरेट हो गया। ठीक है, तो दोस्तों आज जो वीडियो में आपको बताऊँगा और जो ऐप बताऊँगा, आप उसको देखकर और जो जो मैं कहूँगा वो कर पहले से रेडी रखना। और उसके बाद जैसे ही सुबह 8 बजेगा, आप 8 बजे सिर्फ आपको उस पर टिक करना है, और आप टिक करेंगे और आपका काम फटाफट होता जाएगा। ना एड्रेस लिखना पड़ेगा और ना नाम लिखना पड़ेगा, सिर्फ आप जहाँ जहाँ मैं कहूँगा वहाँ टिक करना है, और आपको 1.5 मिनट के कम समय में आपका टिकट बुक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज ठीक है दोस्तों, जो वीडियो में मैं बताने वाला हूँ उसको आप ध्यान से देखना, और इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना, और इसको मिस मत करना। और जो जो मैं आपको कह रहा हूँ उसको पहले से उस काम को करके आप अपने मोबाइल में सेव करके रख ले। और कल सुबह जैसे 8 बजेगा, आप 8 बजे क्या करना, आप ओके करना और सीधा आपका टिकट बुक हो जाएगा, वो भी 1.5 मिनट के कम समय में। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको आना है प्ले स्टोर में, अपने मोबाइल में जाएंगे और प्ले स्टोर में आएंगे, और इसमें लिखना है दोस्तों सुपर तत्काल प्रो। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर लिखा हुआ है सुपर तत्काल प्रो, लिखेंगे तो इसमें ऐसा खुल के आएगा। तो देखिए दोस्तों, मैं डाउनलोड कर चुका हूँ पहले से, तो आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर ओपन का ऑप्शन आएगा, तो इसको सीधा ओपन कर देंगे। जब आप इसको ओपन कर देंगे तो देखिए दोस्तों, ये लॉगिन करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन आ गया, तो अपनी ईमेल आईडी डालकर आप लॉगिन कर ले। तो देखिए दोस्तों, मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ और आप भी लॉगिन कर लेना। ठीक है दोस्तों, ये लॉगिन हो गया। लॉगिन करने के बाद ऐसा पेज खुल के आएगा, तो उसको क्या करना है, आपको इस पे न्यू फॉर्म पे ओके करना है। फिर आपको क्या करना है, ओके थैंक्स पे ओके करना है। वो उसके बाद दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर पिन डालना है। दोस्तों, आप कोई सी भी पिन डाल दे, 3-4 अंक का कोई सी भी पिन डाल दे, तो मैं आपको दिखाने के लिए डाल रहा हूँ 1, 2, 3। ठीक है, ये डाल दिया, और उसके बाद आपको नीचे आना है। दोस्तों, नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है आपको आप कौन सी स्टेशन से आप चढ़ना चाहते हैं। तो अभी तो न्यू दिल्ली से सारे राज्य में गाड़ी जा रही हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे न्यू दिल्ली। ठीक है, मैं न्यू दिल्ली लिख देता हूँ, ओके। और उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, कौन सी राज्य में, तो उस स्टेशन का नाम रखेंगे। देखिए दोस्तों, अभी मैं पटना के डाल देता, पर पटना के अभी ट्रेन बुक नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर आपको क्या डालना है, अगर आपको पटना जाना है तो पटना डालना है, अगर कहीं और जाना है तो वहाँ का नाम डालना है जहाँ पर वो ट्रेन जा रही है। तो मैं अभी आपको चेक करके दिखा रहा हूँ कि ये कैसे काम करता है, इसलिए अभी जो टिकट खाली है वो सूरत का खाली है, तो मैं सूरत यहाँ पर डाल देता हूँ। ठीक है, तो इस सूरत डाल दिए। उसके बाद डेट, देखिए दोस्तों, आज 20 तारीख है, तो आपका कल 21 हो जाएगा, तो 21 तारीख का जो टिकट बुक करेंगे तो वो 28 तारीख की टिकट बुक होगा, तो आपको यहाँ पर 28 चॉइस करना है। तो मैं अभी 27 चॉइस कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, तो 27 कर लिया, उस पर ओके कर दिया। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको ट्रेन का नाम डालना है, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर ट्रेन का नंबर डालना है। अगर आपको ट्रेन का नंबर याद है तो ठीक है, अगर याद नहीं है तो इसको बैक करेंगे, और बैक करने के बाद RCT रेल कनेक्ट पे ओके करेंगे। ओके करने के बाद ये खुलेगा, और खुलने के बाद आपको सर्च करना है, इस पर आइकन पर जाके सर्च करें। अब देखिए, मेरे को न्यू दिल्ली से सूरत जाना है, तो यहाँ पर सर्च करेंगे तो यहाँ पर ट्रेन का नाम दिखा दिया है। ठीक है, तो ऊपर वाला देखिए 0-29-52,
अगर आप पटना के लिए करेंगे तो यहाँ पर पटना डालेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको डाल के दिखा रहा हूँ पटना, तो पटना के भी सर्च करेंगे तो यहाँ पर ट्रेन का नाम दिखा रहा है। तो आपको इसमें चॉइस करना है कि आप कौन सी ट्रेन का टिकट बुक करेंगे, कौन सी ट्रेन के। तो यहाँ पर कोई तीनों में से कोई भी ट्रेन का टिकट जो आप बुक करना चाहते हैं उसको चॉइस कर ले, ठीक है। मैं आपको कहूँगा कि आप 02331 वाला करें, क्योंकि इसमें ज़्यादा ट्रेन की टिकट खाली रहता है, ठीक है। और यह भी मुझे लग रहा है आज के लिए है, इसमें भी टिकट सब बुक हो गया है, ठीक है। तो आपको जो अच्छा लगे उसको आप चॉइस कर लेना, ठीक है। जिसमें ज़्यादा सीट खाली होगा उसको चॉइस कर लेना, ठीक है। तो अब इसको बैक करना है और इसको मैं काट देता हूँ और इसमें ट्रेन का नाम नंबर डाल देना है। तो अभी जो था 2952 था सूरत का जो ट्रेन थी। अब दोस्तों देखो यहाँ पर तत्काल लिखा हुआ है, इसको ओके करेंगे तो आपको इस पर सिंपल जनरल करना है। देखिए यहाँ पर जनरल है तो जनरल कर देना है और उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, थर्ड पे ओके करना है, ठीक है। अगर आप इसमें जाएंगे तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया है थर्ड पर, तो थर्ड पे ओके कर देंगे, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं लिखना है, इसमें अपनी नाम लिखना है, आपका जो भी नाम है, ठीक है। तो मैं अपना नाम लिख देता हूँ लाल बाबू, ठीक है, लाल बाबू कुमार, ठीक है। यहाँ पर एज डालना है, ठीक है, तो मैं एज डाल देता हूँ यहाँ पर अपनी, और आप ईमेल है फीमेल है ये डाल देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको सीट चॉइस करना है, तो लोबर वेट कर लेते हैं। और आप एक से ज़्यादा हैं, दो है, तीन है, चार हैं, तो देखिए ये प्लस का जो आइकन है इस पर ओके करेंगे और यहाँ पर दूसरे पैसेंजर का भी नाम लिख सकते हैं। तो मैं दूसरे के भी नाम लिख देता हूँ, ठीक है, तो दूसरे के भी लिख दिया ओके। और उसके उसका भी सिलेक्ट कर लेना है, तो ये फीमेल है और इसका उम्र क्या है, ओके, फिर लोअर बैक ओके कर दिया, ठीक है। दोस्तों आप जितना चाहें उतने के नाम यहाँ पर लिख सकते हैं, अगर और करना है तो इस प्लस पे ओके करेंगे और फिर नाम लिख देंगे, ठीक है। तो अभी मेरे पास दो पैसेंजर है, एक मैं और मेरी पत्नी, तो उसके बाद नीचे आएंगे। अगर आपके पास बच्चे हैं तो बच्चे भी डाल दें। और उसके बाद है देखिए इसको आपको आइकन पे ओके कर देना है, उसके बाद नीचे आना है, ठीक है। आप किसी भी ओके नहीं करना है, आपको क्या करना है यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर डाल देना है, ठीक है। तो मैं अपनी मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। मोबाइल नंबर डालने के बाद नीचे आ जाना है, उसके बाद इंश्योरेंस पे ओके कर देना है, उसके बाद एड्रेस डालना है। देखिए अगर आपको गांव जाना है तो गांव का प्लॉट जो भी है प्लॉट नंबर उसको डाल देना है, ठीक है। अगर नहीं है तो अंजादे पे कुछ भी डाल दे अब, ठीक है। तो मैं प्लॉट नंबर डाल देता हूँ, ठीक है, मैं प्लॉट नंबर डाल दिया। यहाँ पर अपनी एड्रेस डालना है, ठीक है, आपका गाँव का जो एड्रेस है वो उसको आपको यहाँ पर फिल कर देंगे। तो मैं अपनी एड्रेस यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है। दोस्तों मैं अपने यहाँ पर एड्रेस डाल दिया, उसके बाद नीचे आ जाना है, इसमें पिन कोड डालना है। मैं पिन कोड डाल देता हूँ, ठीक है, पिन कोड डाल दिया, उसके बाद नीचे आना है। उसके बाद पेमेंट का ऑप्शन दे रहा है कि आप पेमेंट किससे करेंगे, ठीक है। तो आप पेटीएम से करेंगे या नेट बैंकिंग से करेंगे, UPI से करेंगे। तो अगर आपको नेट बैंकिंग से डेबिट कार्ड से करना है तो ऊपर ओके करेंगे, पर मैं आपको सलाह दूंगा आप भीम ऐप से जल्दी आपका पेमेंट हो जाएगा, तो आप भीम ऐप का उपयोग करिए। मेरे में अभी जो वॉलेट में पैसे हैं, RCT का जो वॉलेट है उसमें मेरे पैसे है, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। मैं वॉलेट सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है कि आप कौन सी वॉलेट से करेंगे, पेटीएम से, तो मेरा RCT है तो मैं RCT का कर लिया। उसके बाद नीचे भी मोबाइल नंबर डालना है। देखिए अगर आप पेटीएम से करेंगे या भीम UPI से करेंगे तो जिस जो नंबर उसमें कनेक्ट है उसी का नंबर यहाँ पर डालना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं अपने नंबर डाल देता हूँ, ठीक है। दोस्तों ये नंबर डालने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली सेव फॉर्म पे ओके कर देना है। अब ये सेव हो गया, ठीक है दोस्तों। अब सेव होने के बाद देखिए ये मेरे 27 तारीख की टिकट बुक होने के लिए सेव हो गया। तो आप यहाँ पर 27 के बदले 28 डालना, और आप पटना जाना चाहते हैं तो आप पटना का डालना, ठीक है। अब इसको आप क्या करेंगे, इसको खोलेंगे, ठीक है। अब खोलेंगे तो आप इसमें 8 बजे से पहले आपको लॉगिन होना है, ठीक है, और यहाँ पर ऐसे खोल कर रखना है। और जैसे ही 8 बजेगा आपको क्या करना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। आगे बढ़ने के बाद देखिए यहाँ पर इस आइकन पे ओके करेंगे तो यहाँ पर परमिशन मांग रहा है, ठीक है, तो इस पे ओके करेंगे, उसके बाद इस पे ओके करेंगे। आप देखिए यहाँ पर ओके का ऑप्शन आ रहा है,
ठीक है, आप जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे वैसे ही आपका टिकट बुक होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आकर वेट करना है, और जैसे ही आपकी घड़ी में 8 बजेगा, आपके फ़ोन में 8 बजेगा, वैसे ही आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक कर देना है। आप क्लिक करेंगे तो देखिए ये क्या हो रहा है, ये आगे बढ़ेगा, देखिए आगे बढ़ रहा है, ओके कर देना है। फिर यहाँ पर अपनी पासवर्ड डालना है, जो लॉगिन का पासवर्ड है उसको डाल के लॉगिन हो जाना है। ठीक है, यहाँ पर कैप्चा डालना है। ठीक है, तो आपका जो भी कैप्चा आएगा वो डाल लेंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा, आगे ये होने लग गया। अब देखिए अब ये क्या कर रहा है, फिर सर्च कर देना है। ठीक है, ये सब ओके कर रहा है, ओके कर दीजिए, आगे बढ़िए, ओके 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 ओके, देखिए कितना फटाफट कर रहा है। ठीक है, ओके 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 ओके। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर सिटी सेलेक्ट कर लेना है फटाक दे, और यहाँ पर अपनी पोस्ट, जो भी आपका पोस्ट है आप ध्यान से कर लेना। ठीक है, अब आगे बढ़ रहा है ये। ठीक है, और इसको क्या करना, आप पेमेंट पे सीधा जाएंगे, अपनी वॉलेट क्लिक करना है। ठीक है, वॉलेट क्लिक कर दिया, यहाँ पर अपनी पासवर्ड डालेंगे, आपके जो भी पासवर्ड होगा, उसके बाद ओके, उसके बाद सेंड OTG पे कर देंगे, आपका मोबाइल पे OTG आएगा, तुरंत ही आ जाता है, 2-3 सेकंड में आ जाता है, और इस OTG को इसमें डाल देंगे और इस सीधा पे पे ओके करेंगे, आपका क्या हो जाएगा, टिकट बुक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बस आपको ये छोटा सा काम करना है। ठीक है, बस कुछ करना नहीं है, आपको क्या करना है, 2-3 बार ट्राई कर लेना है। ठीक है, टिकट बुक करने से पहले आपको आधा एक घंटा पहले ट्राई कर लेना है कि आप कौन सी काम कब करना है, फटाफट आपको जो कर रहा है उसको आप 2-3 बार आप कर लेंगे तो आपको नॉलेज हो जाएगा, और आप क्या करेंगे, जैसे ओके करेंगे सीधा जाकर क्या कर देंगे, इस पे जाएंगे और इसको फिर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आपको रह के ओके करना है। जैसे आपके टाइम घड़ी में 8 बजेगा, 8 बजने के बाद ऐसे फटाक दे कर देंगे, और आपको जाके क्या करना है, यहाँ पर सीधा पेमेंट कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने टेस्ट किया। ठीक है, तो ये 1 मिनट 15 सेकंड के अंदर ही टिकट बुक कर देता है। ठीक है, अगर आप ज़्यादा फास्ट, मान लीजिए आप इसको ट्राई कर लेंगे, 4-5 बार ट्राई कर लेंगे, तो और ज़्यादा फास्ट आप टिकट बुक कर लेंगे। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आप इस वीडियो के द्वारा अपनी टिकट फटाफट बुक कर लेंगे। दोस्तों आप ट्राई करिए, आपकी टिकट ज़रूर बुक हो जाएगा। आप इस वीडियो को फॉलो करिए, और 3-4 बार आप क्या करें, इसको यूज कर देख लिए। अभी टिकट जो पटने के लिए खाली नहीं है, तो आप क्या करें, दूसरी स्टेशन पर जाने के लिए, जैसे सूरत मुंबई के लिए, आप उस ऑप्शन पर जाकर आप पे मत करना, और 2-3 बार ट्राई कर लेना, तो आपका टिकट ज़रूर बुक हो जाएगा। तो मुझे आशा है दोस्तों कि वीडियो आपको अच्छा लगे होंगे, अगर अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, और मेरे वीडियो को शेयर भी करें दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तब के लिए गुड बाय दोस्तों।